नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं एजुकेशन के बारे में बोल रहा हूँ। तो पहली बात, मैं आज दो दिन पहले न्यूज पेपर पढ़ रहा था और मैंने वैसे ही न्यूज पेपर में एक कॉलम पढ़ा कि 6 मार्क्स के लिए एक बच्चे ने सुसाइड कर। तो शिक्षा आज के दौर में शिक्षा कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, तो मैं इस बारे में बताऊँगा। हमारी मार्क ऑरिएंटेड शिक्षा की तरफ बढ़ रही है। प्राचीन भारत की बात करूँगा तो हमारे यहाँ शास्त्र जीवन यापन करते थे। हमारे चार रेडूस हुआ करते थे। पहला ब्रह्मचर्य के गृहस्थ वनप्रस्थ और संन्यास हुआ करता था और इसमें हम बहुत तरह के संस्कार सीखते थे। वो 100 से ज़्यादा संस्कार सीखते थे और हमारे चार बेसिक रूल हुआ करते थे जो हम धर्म और काम और मोक्ष की तरफ लेके जाते। आज हम धर्म और कर्म, धर्म काम को सीख रहे हैं, मोक्ष भी सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल की तरफ भी जा रहे हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन भी जा रहे हैं। अगर एक बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसको अर्थिंग शिक्षा भी चाहिए होगी, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन भी चाहिए होगी, सिर्फ साइंटिफिक एजुकेशन लेके कुछ नहीं। और हमारे साथ प्रॉब्लम है डे स्कूलिंग, ड्रॉप आउट रेशियो, सुइसाइड रेट, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हमें फिर से प्राचीन भारत में जो शिक्षा दी जाती थी, जैसे 8 से 10 साल से लेकर 10 से 25 साल तक की जो प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी, गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी, वो फिर से देना चाहिए।